Hello, sixth grader. Welcome to science class. In last class, we read about weaving, knitting, plant fiber like cotton. Today, we will read about uses of cotton. Cotton made from cotton and are absorb of sweat, hence commonly used in warm countries at summer wear. जो कॉटन होती है ना वो क्या करती है, पसीने को सोखती है, इसलिए वो गर्मी वाले जो जहाँ पे गर्म होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर, कॉटन के, ठीक है। रफ कॉटन क्लोथ इज़ यूज टू इन मॉप्स फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स और एंड फॉर क्लीनिंग मशीन्स एंड टूल्स। जो रफ कॉटन होती है ना, खरवी कॉटन जिसे हम बोलते हैं, खरी खरी सी, वो मॉप्स यानी कि पोछा, फ्लोर क्लीनर्स होते हैं ना जिसे हम पोछा मारते हैं, उसके काम आती है, क्लीनिंग मशीन्स के क्लीन करने में काम आती है, टूल्स क्लीन करने में काम आती है। ऑन कार्डिंग रॉ कॉटन इज़ यूज्ड एज फिलर्स फॉर स्टफिंग पिलोज कुशंस एंड क्विल्ट्स। जो रुई होती है ना कॉटन, वो क्या होती है, किस में काम आती है, पिलोज में, पिलोज यानी कि सरहाने जो हम लेते हैं, कुशंस में, क्विल्ट्स यानी कि रजाइयाँ वगैरह उसमें काम आती है। सेट्रलाइज्ड कॉटन इज़ वाइडली यूज्ड एज अब्जर्वेंट कॉटन फॉर मेडिकल पर्पज़। जो अच्छी कॉटन होती है ना वो किस काम में आती है, मेडिकल, मेडिकल यानी कि जो हमारी बीमारी वगैरह में जो कपड़े होते हैं ना उसके काम में आती है। वेस्ट कॉटन इज़ वेरी गुड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग फाइन क्वालिटी ऑफ पेपर। जो वेस्ट कॉटन होता है ना उससे क्या बनता है, फाइन क्वालिटी का पेपर। नेक्स्ट इज़ जूट। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट विच ग्रोज बेस्ट बोथ इन सैंडी एंड क्लेई सोइल। बेटे जिसमें सैंडी यानी कि मिट्टी और क्ले, जिसमें चिकनाहट दोनों मिक्स हो, उसके अंदर जो है जूट प्लांट बहुत अच्छा उभरता है, मतलब उसी में ही उसकी खेती होती है, जो मिट्टी होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये तीन राज्य हैं जहाँ पर जो है, इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट उगाई जाती है। जूट इज़ सोन इन द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड आफ्टर 6 months व्हेन द प्लांट स्टार्टेड टू फ्लावर। ये 6 महीने के लिए होती है, रेनी सीजन में बोई जाती है और 6 महीने बाद वो फ्लावर उसके आते हैं। आफ्टर वेस्टिंग द स्टेम्स आर टाइड इन बंडल्स एंड सॉक्ड इन वाटर फॉर 2 or 3 weeks। बेटे जो फ्लावर्स आ जाते हैं उनको हार्वेस्टिंग करके उसके बंडल बनाए जाते हैं, यानी कि उसको बांध के एक जगह रख दिया जाता है और पानी में भिगो के 2 से 3 हफ्ते, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम बाय जर्क्स एंड पुल्स ऑन द हेड, यानी कि जो जड़ से उखाड़े जाते हैं और क्या होते हैं, अपने हाथों से बांधे जाते हैं। द फाइबर आर ड्राइड, जो फाइबर होता है ना इसका, फाइबर एकदम सूखा सूखा होता है। दे आर पेल येलो इन कलर एंड 6 to 8 feet लॉन्ग, सूखे होते हैं पीले पीले और 6 से 8 meter लंबे होते हैं। दे आर क्वाइट स्ट्रांग एंड कैन बी ईजली स्पन टू मेक यान। ये क्या होते हैं, ये स्पन बनाने के, स्पन का कपड़ा होता है ना उसको बनाने के, स्पन का यान बनाने के काम आता है। अब यूजेस ऑफ जूट, जूट फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कारपेट्स, रग्स, ये जो पैर पोंछने वाले होते हैं ना, ये सब कारपेट्स, ये सब रोप, रस्सी, ये सब बनाने में काम आते हैं। और इसको, इससे कर्टन्स भी बनते हैं, हैंड बैग्स भी बनते हैं। गनी बैग्स आर यूज्ड इन पैकिंग ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर एक्सेट्रा। जो जूट के बैग होते हैं ना, बोरे जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या आता है, कनक, जो दाने होते हैं, पल्सेस, दालें, चीनी, ये सब चीज़ें उसके अंदर भरी जाती हैं। नेक्स्ट इज फ्लैक्स। द अदर नेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट इज लीन्स्ड प्लांट। जो फ्लैक्स प्लांट का दूसरा नाम है वो लीन्स्ड प्लांट है। फ्लैक्स फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जो फ्लैक्स फाइबर है ना वो कहाँ से मिलता है, स्टेम ऑफ प्लांट यानी कि तने से, प्लांट के तने से। फैब्रिक यूज्ड फ्रॉम फ्लैक्स इज आल्सो लीलन। लीलन का कपड़ा होता है बिल्कुल पतला पतला सा, उससे फैब्रिक बनता है उसका। लीलन इज यूज्ड एट टेबल क्लोथ। जो टेबल क्लोथ होता है ना, शीट, बेड शीट वगैरह, शीट्स, ये सब, एंड आल्सो स्टिचिंग गारमेंट, और कपड़े में भी बिल्कुल पतला होता है ये। हम्प प्लांट्स ग्रो वेल इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस एंड इन एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट। यानी कि हर तरीके का क्लाइमेट हो, चाहे वो जैसा भी हो, गर्म, सर्द, जैसा भी, उसमें बन जाता है। ऑन लो हिल्स इज इट ग्रो वाइल्ड इन नेचर। जो नीचे पहाड़ियाँ होती है ना, जिसमें वाइल्ड सा टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। फाइबर्स फ्रॉम हम प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ स्टेम।
और द स्टेम, बार्क यानी कि जो उसकी पत्तियां होती हैं, जो उसके तने होते हैं उनसे, ठीक है, उनसे बनता है ये। हम फाइबर इज़ यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग टेंट, टेंट रोप्स, जो मजबूत टेंट की रस्सियां होती हैं वो, नेट, कारपेट्स, कपड़ा, हैंडबैग और उसके पेपर के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोयर। कोयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस हस्क ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई फ्रूट कवरिंग ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट के ऊपर कवरिंग होती है ना उससे बनता है। एनिमल फाइबर्स, सिल्क, सिल्क इज़ ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर, सम फॉर्म ऑफ विच कैन बी वूवन इन टू टेक्सटाइल, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कुकून मेड बाय सिल्क वॉर्म अराउंड इट सेल्फ। बेटा जो सिल्क होता है ना वो अपने कुकून होता है, वो अपने आसपास एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म का, वो अपने आसपास एक कुकून बना लेता है, एक अपनी परत बना लेता है, जिससे क्या होता है वो सिल्क बनाते हैं उससे, जो उसका कुकून होता है। और ये कहाँ मिलता है, मलबरी नाम का एक पेड़ होता है उसके ऊपर ये कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उससे ही बनता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना इसको कहते हैं सेरीकल्चर। सिल्क इज़ प्रोड्यूस जो है सेवरल अदर इंसेक्ट्स, बहुत और अलग अलग कीड़े भी बनाते हैं, लेकिन जो कैटरपिलर होता है ना उसका जो सिल्क होता है, जो सिल्क का कीड़ा बनाता है ना ये वाला, उसको टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही बड़ी मात्रा में सिल्क जो है ना बहुत यूज़ किया जाता है इंडिया में, इंडिया में और भारत की अलग अलग देशों में भी यूज़ किया जाता है। जो एशियन कंट्रीज़ होती है ना, ये नहीं कि हम सिर्फ असम गुजरात यही पहन रहे हैं, और भी कई कंट्रीज़ होती हैं, यूएसए में भी इसका यूज़ किया जाता है, लोग सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क का सूट, सिल्क की साड़ी, तो उससे बनती है चीज़ें। वूल, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ बॉडी ऑफ शीप और गॉट, जो भेड़ और होती है ना बकरी, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे वूल बनती है, ऊन। और ये सारा जो इसके बाल उतारने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं शीरिंग। और द वूल इज़ प्रोसीड्स टू मेक यान विच कैन बी आइदर वेव्ड और निटिंग टू मेक वूलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर, कोट, मफलर्स एक्सेट्रा। तो जो ये सारा प्रोसेस होता है ना, या तो ये बुना जाता है या सूत कातना बोलते हैं, वो काता जाता है, उससे ये सारा का सारा बनाया जाता है वूल, ठीक है। और इससे क्या बनता है, कोट, स्वेटर, मफलर, गर्म कपड़े। और ये क्या है, इनके बीच में ऐसा एक तार होता है जिससे फ्लफी फ्लफी सा रहता है, इसके बीच में से हवा क्रॉस होती रहती है, और ये हमारी बॉडी की जो हीट और टेम्परेचर होता है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। और ये सबसे अच्छा सिस्टम है विंटर्स में पहनने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।